जय भारतम बंधुओं। बंधुओं, अब डे 16 के क्लास में हम द राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने वाले हैं। डे 15 में हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पुर्तगालों ने समझौता कर लिया, डच को 1759 के बेदरा की लड़ाई में उन्होंने हरा दिया। फिर जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसके बाद जब डेनिस आए तो डेनिस अपना सब कुछ 1845 में इन्हें बेच दिया डेनिस ने और चले गए। इसके बाद फ्रेंच आए तो फ्रेंच से बहुत संघर्ष चला, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष चला, लेकिन वांडीवास की लड़ाई में उन्हें भी हरा दिया 1760 में, तो फ्रेंच भी चले गए। फिर स्वेडिश आए 1731 में जब, तो स्वेडिश भी अपना सब कुछ बेच दिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जान गए थे कि यहाँ पर दाल गलने वाली है नहीं, तो ये भी सब कुछ अपना देकर चले गए। तो स्वेडिश डेनिश बेच ही दिए, फ्रेंच और डच को हरा ही दिया, पुर्तगाल ने समझौता ही कर लिया कि हमको शासन नहीं करना, बस व्यापार करने दीजिए। अब राज्य है अब किसका इकलौता शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है भाई, हमने कल बात डे 15 में हमने कहा था दस्तक प्रणाली के बारे में, दस्तक प्रणाली के बारे में कुछ बताया था आपको। एक ऐसी प्रणाली थी, एक ऐसा परमिट था जिसके बाद, जिसको मिलने के बाद आप बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हैं। तो पहले तो टैक्स देते थे सब, औरंगजेब के बाद तो ऐसा कोई शासक रहा नहीं। 1713 से 1719 तक एक मुगल शासक रहे, नाम था फर्रुखसियार। क्या नाम था? फर्रुखसियार। देखिएगा 1713 से 1719 तक कौन रहा मुगल शासक? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार फर्रुखसियार के बाद ही 1719 में आता है मोहम्मद शाह, जिसके समय नादिर शाह आता है, तो वो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस दे देता है। वो 1719 से 1746 तक रहता है। ये 1713 से 1719 तक फर्रुखसियार। इसके समय में 1717 में, 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कमेटी आती है कुछ व्यापार के विषय में ही चर्चा करने, कुछ परमिट वर्मिट लेने, कुछ अनुमति लेने आई रहती है। तो इस कमेटी में 4-5 सदस्य रहते हैं, इसमें से एक का नाम रहता है विलियम हैमिल्टन। अब जब ये आते हैं तो देखते हैं फर्रुखसियार खास रहा है हांस रहा है, लग रहा है कि बहुत बीमार है। पूछा गया क्या हुआ है, व्हाट हैपन, आपको हुआ क्या है वो किंग, व्हाट हैपन। ये कहते हैं हम बीमार हैं, कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। वे बोलते हैं कि टेंशन नो टेंशन बिकॉज आई हैव विलियम हैमिल्टन। टेंशन मत लीजिए, मेरे पास विलियम हैमिल्टन सब ठीक कर देगा। ये सर्जन है, विलियम हैमिल्टन सर्जन है, बहुत बढ़िया सर्जन था विलियम हैमिल्टन, अच्छा आदमी भी था थोड़ा, तो विलियम हैमिल्टन सब ठीक कर देगा। तो हम भी तो यही चाहते हैं, हमको ठीक कर दे, बहुत बीमार है, कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। तो फर्रुखसियार का इलाज कर देता है विलियम हैमिल्टन। बाद में पहले अपना कुछ चर्चा नहीं करता, सब व्यापार का कुछ बात नहीं करता, पहले कहता है विलियम हैमिल्टन से ठीक करो इनको। तो फर्रुखसियार पहले ठीक कर, क्योंकि जानता है सब कि ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा तो खुश हो जाएगा, तब जो हम अनुमति मांगने चाहेंगे आराम से हमको मिल जाएगा। तो फर्रुखसियार ठीक हो जाता है, बहुत बढ़िया इलाज कर देता है। ये सब उतना नहीं सोचा था कि इतना खुश हो जाएगा, इतना ज्यादा खुश हो गया फर्रुखसियार कि दस्तक प्रणाली को अप्रूवल दे दिया, दस्तक प्रणाली साइन कर दिया।
इसे दस्तक परमिट के नाम से भी जानते हैं या दस्तक पास के नाम से भी जानते हैं। तो दस्तक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी, कैसा परमिट था, कैसा पास था जो इसने अंग्रेजों को दिया फर्रुख सियार ने। ये प्रणाली, इस परमिट मिल जाने के बाद आप बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हो। उसके बाद अपने अंडर, इसने कहा तुम्हारे अंडर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो भी छोटा मोटा व्यापारी हो उसको भी तुम ये परमिट दे सकते हो, दस्तक परमिट, वो भी बिना करके ही व्यापार कर सकता है। और अगर उसके पास नहीं होगा तो उससे टैक्स लिया जाएगा। तो क्या कहते हैं, तो ऐसा दस्तक प्रणाली दे देता है फर्रुख सियार। देखिए ये ठीक हूबहू ऐसा ही लग रहा है जैसे प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा था कि चंद्रप्रद्योत जो अवंती का राजा उसको हरा नहीं पाता है बिंबिसार, लेकिन जब चंद्रप्रद्योत बहुत बीमार रहता है तो अपने राजवैद्य बिंबिसार जीवक को भेजता है, जीवक जाता है उसे ठीक कर देता है। तो चंद्रप्रद्योत इतने खुश हो जाते हैं कहते हैं कि एकदम अब संधि हम कर ले रहे हैं, हमारी ताकत आपकी ताकत है, हमारी फौज आपकी फौज है, जब भी कोई संकट आएगा हमारी फौज आपके साथ रहेगी, हमारी पूरी संपदा आपके साथ रहेगी, हमारा सब कुछ आपका है, इतना खुश हो जाता है कि एकदम कोई इलाज नहीं कर पाता, उसका बहुत बीमार रहता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ फर्रुख सियार के साथ। वैसे फर्रुख सियार दिमाग का पैदल था भी। तो दस्तक प्रणाली परमिट दे देता है, दस्तक पास कर देता है। अब इसका ये सब बहुत दुरुपयोग करने लगता है। 1717 में ये पास मिलता है, बहुत दुरुपयोग करता है सब। क्या करता है सब, किसी को भी ये तो बोला था कि अब तुम्हारे अंडर में कोई व्यापारी हो तो उसको तुम ये परमिट दे सकते हो। कोई भी अब भारतीय व्यापारी भी होता है, व्यापार करता है, तो जाकर पूछता है सब ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, हैं तुम्हारे पास दस्तक परमिट है, नहीं है, टैक्स देना पड़ेगा, दस्तक परमिट लेना है तो इतना रुपया दे दो, तो टैक्स दो, दस्तक परमिट नहीं है तो। मतलब ये टैक्स लेने का काम, अब दस्तक परमिट जिसके पास नहीं है उसे टैक्स लेने का, भाई मुगल शासकों का था, ये सब अपने बन के बैठ जाता है, कहें कि जानता है सब अय्याज है सब। फर्रुख सियार भी 1719 में चला जाता है, उसके बाद तो एकदम डरपोक मोहम्मद शाह आ जाता है और उनको मोहम्मद शाह के रवैये को देख भी लेता है सब, उसके बहादुरी को भी देख लेता है जब नादिर शाह आता है, तो ये सब जान जाता है कि कुछ ये सब कर पाएगा नहीं हमारा, तो अपने बन जाता है सब कुछ सर्वे सर। तो यही दस्तक परमिट बांटने लगता है लोगों को, किसी को भी दे देता है सब, टैक्स फ्री व्यापार करता है, अपने लोगों को दे देता है और भारतीयों पर कर लगाने लगता है सब, तो अपने शासन करने लगता है सब। दस्तक परमिट का बहुत दुरुपयोग होता है, ये सहा नहीं जाता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। बंगाल को देखिएगा, उस समय का जो बंगाल था, वो बंगाल आज का बंगाल जैसा बंगाल नहीं था। इस बंगाल में बिहार भी था, इस बंगाल में उड़ीसा भी था, इस बंगाल में आपका पश्चिम बंगाल हमारा जो भारत का है वो पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश भी तो बंगाल का हिस्सा था, फिर बांग्लादेश का असम भी बंगाल का ही हिस्सा था। तो बिहार भी बंगाल का, उड़ीसा भी बंगाल का, पश्चिम बंगाल बंगाल का ही है, बांग्लादेश बंगाल का ही है, असम भी बंगाल का था, ये सब बंगाल के थे। बंगाल बहुत लंबा चौड़ा इलाका था, बंगाल प्रेसिडेंसी पर सबकी नजर थी। जो भी आया, चाहे वो पुर्तगाल आए, चाहे वो डच आए, चाहे वो फ्रेंच आए, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, चाहे वो डेनिश आए, चाहे वो स्वेडिश, सबकी नजर सबसे अधिक कहीं पर थी तो बंगाल प्रेसिडेंसी में थी। क्यों थी बंगाल प्रेसिडेंसी में इतनी नजर सब? बात यह था कि बंगाल पे सबसे पहला जो नवाब था, देखिएगा बंगाल में जो सबसे पहला नवाब था उसका नाम था मुर्शिद कुल्ली खान। इसके बाद जो दूसरा नवाब आया बंगाल का,
वो सुजाउद्दीन दौला, क्या नाम था? सुजाउद्दीन दौला, सुजाउद्दीन दौला। दूसरा नवाब, तीसरा नवाब कौन था? तीसरा नवाब जो था वो अली वर्दी खान था। क्या कौन था? अली वर्दी खान। तो अली वर्दी खान, इसमें से पहले नवाब के समय तो नहीं, मुर्शिद अली खान के समय तो नहीं, पर सुजाउद्दीन दौला और अली वर्दी खान के समय बंगाल भारत का एक, मतलब भारत का स्वर्ण कहा जाता था इसे, भारत का सोना कहा जाता था बंगाल को, भारत का स्वर्ण कहा जाता था बंगाल को उस समय, इन दोनों के समय। तो भारत का स्वर्ण कौन था इस समय? भारत का स्वर्ण बंगाल, बंगाल क्यों था बंगाल? एक तो इतना बड़ा इलाका, बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश असम सब इसी में, इतना बड़ा इलाका। दूसरी बात, सबसे अधिक फैक्ट्रियां लगी यहीं पर, सबसे अधिक फैक्ट्रियां यहीं पर लगी, समुद्र तट था ही पूरा, इतना बड़ा फैक्ट्री सबसे अधिक यहीं पर लगी, धन सबसे अधिक यहीं पर, सोना सरफिया सब धन यहीं पर सबसे अधिक था, सबसे अधिक यहीं पर था, माइंस सबसे अधिक सब यहीं पर थे। इसके अलावा अफीम की खेती सबसे ज्यादा यहीं पर होती थी, अफीम की खेती सबसे ज्यादा यहीं पर होती थी, और नील की खेती पहले से कुछ कुछ ये कर ही रहे थे, तो ये सब कुछ यहीं पर होता था। तो सबकी नजर बंगाल प्रेसिडेंसी में थी, पे थी, और बाकी सब तो चले ही गए थे, सबकी क्या नजर अब तो बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला तो 1760 तक चला ही, वांडीवास का युद्ध में सब गया 1760 में, लेकिन उस समय तक तो चला ही, और 1759 तक डच भी रहा ही सब, 1759 में बेद्रा का युद्ध हुआ तो डच भी चला गया सब, लेकिन हाँ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खास नजर बंगाल प्रेसिडेंसी पर, बंगाल में और ज़्यादा व्यापार, और बंगाल में इन सब का ये दस्तक प्रणाली का और ज़्यादा दुरुपयोग। अब ये देखा गया नहीं किसको, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला अली वर्दी खां के बाद आए थे, अली वर्दी खां के बाद 1756 में नवाब बने सिराजुद्दौला, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया शासक था, बहुत गजब का कैरेक्टर लगता है इसको, इसका हम सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो सिराजुद्दौला था, अंग्रेजों के प्रति क्रूरता भरी हुई थी एकदम, पूरा कूट कूट के क्रूरता भरी हुई थी अंग्रेजों के प्रति, एकदम पसंद नहीं करता था सिराजुद्दौला अंग्रेजों को। प्रसिद्ध है ब्लैक होल ट्रेजेडी के लिए, सिराजुद्दौला ब्लैक होल ट्रेजेडी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आज भी नाम लिया जाता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या हुआ था इसमें, ब्लैक होल ट्रेजेडी आपको डेट भी बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी हिंदी में इसको बोला जाता है काल कोठरी त्रासदी। इसमें हुआ क्या था, 20 जून 1757 को क्या किया इसने, 146 अंग्रेजों को, 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में ठूस दिया, तो उसके बंद कर दिया छोटी सी कोठरी में। उस कोठरी में 10-12 से अधिक लोग नहीं रह सकते थे, और उसमें ठूस ठूस कर भर दिया 146 को, 146 को ठूस ठूस के भर दिया। आप बताइए 10-12 लोग की कैपेसिटी वाले कोठरी में 146 को ठूस ठूस के भर दिए, और पूरा 24 घंटे तक ठूसे ही रह गए वहीं से, कितना बड़बड़ा रहा, कितना बड़बड़ा का सांस लिया, ये भी नहीं कर रहा था, हम सबसे पूरे चता गया था सब,
उतना छोटा सा कोठरी, तो पूरा 24 घंटा तक, पूरा एक दिन तक, 20 जून को ठूसें और 21 जून तक, पूरा 21 जून को खोलें कोठरी। 21 जून को जब कोठरी का दरवाजा खुला तो पाया गया कि 146 में से बस 23 जिंदा बचा है सर, 123 मर गया सब, कोठरी में दम घुट कर सब मर गया, बस 23 बचा था, 23 जिंदा बचा सब। यही है काल कोठरी त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब जब ये कांड किया 21 जून को, जब ये खबर चारों तरफ एकदम फैला, लहर से दौड़ गया ये खबर, तो पल भर में क्षितिज से अंबर तक फैल गया, सबको पता चल गया कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ है, काल कोठरी त्रासदी सिराजुद्दौला किया है, 123 अंग्रेज मर गया है, सब दम घोट कर उसे मर गया, 23 को बस जिंदा बचा है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पता चला तो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का सबसे पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर था ये। तो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा कि युद्ध करो, जाके शौक सिखाओ सिराजुद्दौला को। तो ये लड़ाई के लिए आ गया पलासी के मैदान में, पलासी के मैदान में। पलासी कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल जो आपका है, वेस्ट बंगाल, इसमें एक जिला है, नाम है नदिया जिला, नदिया जिला, नदिया जिला में गंगा नदी के तट पे, गंगा नदी के तट पे पलासी का मैदान है, और इसी पलासी के मैदान में युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पलासी, 23 जून को। 21 जून को ये खबर फैला, 22 जून को सब रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, 23 जून को लड़ाई हो गया। 23 जून 1757 बैटल ऑफ पलासी, अंग्रेजी में प्लासी लिखा जाता है, हिंदी में पलासी है, पलासी, प्लासी नहीं। तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को लड़ा गया। एकदम डेट याद रखिएगा बढ़िया से। इसमें भले अंग्रेजों की सेना थी, बड़ी विशाल सेना थी, सेना ये सब बाहर से भी मंगवाया था, सब भारत का भी भर्ती, सब भारतीय जनता जवान को भी भर्ती सब कर लिया था, सब बहुत था, सब इन सब का सेना बढ़िया सा बन गया था। तो सेना उनकी बड़ी थी, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला की भी कोई छोटी सेना नहीं थी, और ये जीत भी जाते हैं एकदम, बहुत ताकतवर शासक थे सिराजुद्दौला, सबका एकदम सबके अंदर भय था इनके नाम का। लेकिन मीर जाफर गद्दारी कर दिया, मीर जाफर जो था ये रॉबर्ट क्लाइव से जाके मिल गया, गद्दारी कर दिया, और इसी के गद्दारी की वजह से बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला की हार। मीर जाफर गद्दारी कर दिया, कहा कि भाई हमको बंगाल का नवाब बना देना जीतने के बाद। मीर जाफर जो सेनापति था, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। इधर से रॉबर्ट क्लाइव लड़ने आया, इधर से सिराजुद्दौला लड़ने, उसका सेनापति मीर जाफर गद्दारी कर दिया, सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गई। अब जैसा कि वादा किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब बना दिया, किसको? मीर जाफर को। तो मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब। क्या बन गया बाबू? बंगाल का नवाब। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव 1725 में आया था और 1774 में इसकी मृत्यु हो गई थी। रॉबर्ट क्लाइव की 1774 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब जो है मीर जाफर बना नवाब बंगाल का, और इसने क्या किया, नवाब बनते ही 24 परगना बंगाल की जमीन का, 24 परगना, परगना में प्रतिशत 24 परगना बंगाल का जमीन
ये दे दिया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया, और इसे रॉबर्ट क्लाइव की जागीर कहा गया है। इस 24 परगना भूमि को, बंगाल की 24% भूमि को रॉबर्ट क्लाइव की जागीर कहा गया है, ठीक है। तो ये भेंट में दे दिया 24 परगना भूमि अंग्रेजों को, और इसी को कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव की जागीर। इसके अलावे इसमें व्यक्तिगत रूप से 2,34,000 पाउंड दिए थे रॉबर्ट क्लाइव को, 2,34,000 पाउंड पाउंड रॉबर्ट क्लाइव को दिया था, अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से दिया था, ठीक है। इसे मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था, कर्नल क्लाइव का गीदड़, यहां पर लिख दे रहे हैं कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता था, तो मीर जाफर को कहा जाता था, ठीक है। इतना हो गया, अब इतना पहले आप नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया, इसको मिटाएं, आगे बढ़ें। अब देखिए 1760 में, 1757 में नवाब बना मीर जाफर, 1757 से 1760 तक रहा। 1760 में इसको हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया बंगाल का, मीर कासिम भी अंग्रेजों के अधीन ही था, लेकिन धीरे धीरे ये भी दस्तक परमिट के दुरुपयोग को देखने लगा, उसे समझने लगा, ये भी परेशान हो गया, हमारा तो कोनो बस ही नहीं चल रहा, हम कहा है, हम तो खिलौना की तरह हो गए हैं भाई, यही सब टैक्स वसूल रहा है, दस्तक परमिट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये हमारा तब क्या मतलब बनता है। तभी जाके समझाया मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को कि क्या हो रहा है। शाह आलम द्वितीय कहा कि हम भी तो चाह रहे हैं इन सबको भगाना, लेकिन क्या करें, हम कमजोर हैं उन सबके सामने, सब बहुत अब आगे बढ़ गया है इतने समय में। तो कहा कि ठीक है, हम एक हो जाएं, दोनों हमारी सेना आपकी सेना एक हो जाए, इतने से काम नहीं चलेगा, और भी किसी कोई सहायता करे। तो अवध के नवाब ने सहायता किया सुजाउद्दौला ने। तो एक युद्ध हुआ, तीनों मिलकर तीनों लड़े 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर, ये भी याद रखिएगा डेट, 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इधर अंग्रेज और इधर बंगाल, अंग्रेज की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा, तो था लॉर्ड हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? लॉर्ड हेक्टर मुनरो। और बंगाल की तरफ से मीर कासिम की सहायता करने वाले अवध नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय, ये तीनों एक तरफ, ठीक। लेकिन लॉर्ड हेक्टर मुनरो की सेना बड़ी विशाल थी, बहुत विशाल थी, जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी।
पहले ही अब देखिए 24% हिस्सा तो बंगाल का पहले ही मिल गया था, वो मीर जाफर दे दिया था। उसके बाद से इनका व्यापार अपना ही बढ़ाते गए बढ़ाते गए। पहले गलती वहीं पर गलती का गद्दार है था तो यहीं गलती का जड़ है सब, तो गद्दारी कर दिया और वहीं से मैंने बैटल ऑफ पलासिये से इन लोग का रास्ता पूरी तरह से खुल गया। सिराजुद्दौला एक ही वही थे उतने ताकतवर शासक जो कि माने विरोध कर सके उतने बड़े स्तर पे। उसके बाद कोई वैसा रहा नहीं लंबे समय तक, 1857 तक, 1857 की क्रांति तक। तो इधर फिर से माने विरोध उठा बैटल ऑफ बक्सर में लड़ाई में, तो इसमें फिर से जीत गया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, बंगाल हार गया, मीर कासिम फिर से आ गया। अब पूरा बंगाल इन लोग का, पहले 24% था, पूरा बंगाल इन लोग का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इन्होंने अपने संरक्षण में एक नवाब को नियुक्त किया, अब इनके संरक्षण में है वो, अब पूरी तरह से इनके अधीन है। कौन? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला तो इनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में प्रथम, जो इनके संरक्षण में प्रथम नवाब जो था, पहला नवाब जो था बंगाल का, वो नजमुद्दौला था। कौन था? नजमुद्दौला। अंतिम जो नवाब था बंगाल का, अंतिम नवाब, उसका नाम था मुबारक उद्दौला। इसके बाद नवाब का ये खत्म कर दिया सब, नवाब का पद ये खत्म कर दिया सब, हटा दिया, आप भागो सब नवाब, आपका कोई जरूरत नहीं है। अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब पूरा तरह से सब कुछ इनके कंट्रोल में हो गया पूरा बंगाल। कोई इन अब आँख उठाने वाला था नहीं, सर उठाने वाला था नहीं इनके सामने, क्योंकि अब 1757 में बैटल ऑफ पलासी में जीतिए गए थे सिराजुद्दौला से, फिर से 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतिए गया था सब, उसके पहले 1759 में डच को हरा ही दिया था, 1760 में फ्रेंच को हरा ही दिया था। अब कौन है? कोई नहीं है, अपना आराम से शासन कर रहा है सब। मुगल शासक भी सब एकदम गैल गुजरल था सब, जितना भी इसके बाद आया सब, तो आराम से सब राज कर रहा है सब। कई तरह का कानून भारत में लाया, कई तरह का एक्ट लाया भारत में, अपनी पूरा फौज खड़ा अपना कर दिया, भारतीयों को उसमें भर्ती करवाया, एग्रीमेंट बनवा लिया कि हमको बाहर भी कहीं बर्मा वर्मा कहीं भी बाहर लड़ना होगा तो तुमको जाना पड़ेगा साथ में, बहुत सारा सभी सब किया सब, अपना पूरा माने शासन स्थापित कर लिया सब। एक एक्ट लाया सब, चार्टर एक्ट 1833 के करीब में, जिसके थ्रू अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया सब, इंग्लिश सबको कंपलसरी एकदम कर दिया, इंग्लिश में सब कुछ पढ़ो सब, नहीं चाहता था सब इंग्लिश पढ़ लेगा तो हमारा ये कन्वर्सेशन तो जो है वो आसान हो जाएगा, या बातचीत कन्वर्सेशन आसान हो जाएगा तो शासन भी बढ़िया से हम लोग कर सकेंगे। तो अंग्रेजी को चार्टर एक्ट के माध्यम से बुलाया सब, शिक्षा का माध्यम बनाया सब, ये सब कहानी है आगे की, राज करना सब शुरू कर दिया सब। अब इसके बाद धीरे धीरे ये सब बहुत अत्याचार करता है सब, शासन इन सब का रहता है, लूटता है भारत को सब। और धीरे धीरे 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो उसकी चर्चा हम डे 17 के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो भारत से संस्कृति है, जय श्री राम।